तो मूवी की शुरुआत होती है एक कपल जॉन और विंडी से, जो कि एक मैरिज काउंसलर के पास जाकर अपनी बोरिंग सी लाइफ के बारे में बताने लगे, जिसमें कि ना तो काउंसलर को इंटरेस्ट आ रहा था और ना ही मुझे। इसलिए तब काउंसलर ने उनसे पूछा कि आखिर तुम मिले कैसे। तब कहानी 6 साल पीछे कोलंबिया में आई, जहां वो दोनों अकेले अकेले ट्रैवल कर ही रहे थे कि इतने में पुलिस से बचने के लिए ये दोनों उनके सामने एक कपल बन गए। तब जॉन ने झूठ बोलते हुए बताया कि वो एक कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव यानी मिस्त्री या ठेकेदार है। ये सुनकर विंडी ने भी खट्टी टॉफी खाते हुए खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया, जो कि एक टेक कंपनी में काम करती थी। वैसे टेक से याद आया दोस्तों कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। खैर, अब इन दोनों की बातों से आप समझ गए होंगे कि ये दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इन दोनों के आपस में कौन से बायोलॉजी के प्रैक्टिकल हुए कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया, जिसे जॉन ने अपने दोस्त पेप्सी को बताया और विंडी ने अपनी दोस्त बिच मिच को बताया, जिसके बाद इन्होंने हमें बिना बुलाए ही ये शादी कर ली। खैर कोई नहीं, बस अब कहानी यहाँ से 5-6 साल ही आगे आई, जहाँ इन दोनों की लाइफ एकदम बोरिंग हो गई थी, क्योंकि ये दोनों ना तो आपस में ज्यादा बात करते, ना ही जॉन विंडी को अपनी भिंडी देता। तो मतलब बेसिकली इनकी लाइफ में एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक दूसरे से बहुत बड़ा सच छुपाया हुआ था, जो ये था कि वो हमें आगे पता चलेगा। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। खैर, अब रात को ये डिनर टेबल पर बैठे, जहाँ इनके बीच फ्लेवर को लेकर बात होने लगी। अरे आइसक्रीम फ्लेवर की बात कर रहा हूँ यार। जिस बीच ही विंडी को एक कॉल आई, तभी वो उस कॉल के बाद सूट बूट पहनकर किसी खास काम के लिए निकल गई। तभी उसके पीछे से जॉन भी अपने एक इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल गया। अब यह विंडी एक होटल में पहुंची, जहां वो एक हाई प्रोफाइल पर्सन को अपनी सर्विस देने आई थी, लेकिन असल में उसकी सर्विस इतनी भयंकर निकली कि वो उस वीआईपी की सांसों को एक्सपायर करके यहां से निकल गई। तभी यहां दूसरी तरफ जॉन भी एक क्लब में पोकर खेलने पहुंचा, जहां पोकर खेलते खेलते उसने एक लक्की और उसके 3 चेलों की आलू पूड़ी बांट दी। तब हमें पता चला कि असल में ये दोनों कोई मिस्त्री या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग एजेंसी के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। तभी ये दोनों घर पहुंचे, जहां जॉन ने बताया कि सुबह उसे जल्दी दिहाड़ी पर जाना है, जिसके लिए वो अपने घर के सीक्रेट एरिया से एक बैग में काफी सारा असला बारूद डालकर यहां से निकल लिया। दूसरी तरफ विंडी ने भी अपनी गुफा में से छुपाए हुए हथियार निकाल लिए। असल में इन दोनों को इनकी अलग अलग एजेंसी ने एक बेंजामिन नाम का टारगेट दिया, जो कि अभी एसपीडी फोर्स की गिरफ्त में था, लेकिन अब एसपीडी उसे मिस्टिक फोर्स में ट्रांसपोर्ट करने वाली थी। जिस बीच ही इन्हें उस बेंजामिन का खेला करना होगा, क्योंकि वो इन दोनों की एजेंसी के लिए एक बड़ा खतरा है। तब विंडी ने एसपीडी के रास्ते में अपने बॉम्ब फिट कर दिए, ताकि जैसे ही एसपीडी का काफिला आए वो उस पूरे काफिले को ही उड़ा दे। लेकिन तभी इतने में यहाँ हमारे जॉन भैया की भी एंट्री हुई, जिसकी वजह से विंडी उन बॉम्ब्स को डिस्कनेक्ट करके अपनी दूरबीन से उसे पानी देते हुए देखने लगी। तब उसे लगा कि ये कोई आम नागरिक है, क्योंकि वो जॉन का फेस ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने जॉन का हथियार देखा तो उसने तुरंत उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो आसानी से बच गया, क्योंकि अभी उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। लेकिन फिर उसने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए विंडी का झोपड़ा उड़ा दिया, जिससे कि इनके बीच के कलेश में एसपीडी काफिला बेंजामिन को लेकर यहाँ से चला गया। साथ ही विंडी भी जॉन के बाजूका से जैसे तैसे बचकर निकल गई। तब उसके हाथ विंडी का टूटा फूटा लैपटॉप आया, जिसे लेकर वो एक हैकर है भाई हैकर के पास पहुंचा, ताकि वो इस लैपटॉप का बिलिंग एड्रेस या कोई अलग इन्फॉर्मेशन पता कर सके। दूसरी तरफ विंडी अपने हेडक्वार्टर में पहुंची, जहां उसके बॉस ने उसे खूब फटकार लगाते हुए सिर्फ 48 घंटों का टाइम दिया कि अगले 48 घंटों में उसे कैसे भी करके बेंजामिन को अपनी सर्विस देनी होगी।
यहाँ जॉन की हैकर ने उसे लैपटॉप का बिलिंग एड्रेस बताया, जिस पर जब वो पहुंचा तो वहाँ उसे विंडी का नाम दिखा, जिससे वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है बाबा। तभी दूसरी तरफ जब विंडी रेगिस्तान का एमएमएस देखने लगी तो उसने जॉन के हिलाने के ढंग से उसे पहचान लिया, क्योंकि जॉन भी अपनी टांग ऐसे ही हिलाता था, जो देखकर वो भी काफी अलर्ट हो गई। अब रात होते ही जॉन डिनर पर पहुंचा, जहाँ विंडी ने काफी तैयारी कर रखी थी, जिसकी वजह से उसे काफी शक भी हुआ, इसलिए आज उसने वो ड्रिंक भी नहीं पी। तभी विंडी डिनर लेके आई, जहाँ चाकू देखते ही उसने वो चाकू ले लिया। हालांकि इन दोनों की ही एक दूसरे से लुप हो रही थी, जिस भी जॉन ने जानबूझकर वाइन की बोतल गिराई, जिसे पहले तो विंडी ने पकड़ लिया लेकिन फिर उसने भी छोड़ दिया, जो देखकर ये दोनों टॉवल लेने भागे। लेकिन असल में ये दोनों टॉवल नहीं बल्कि एक दूसरे से बचने का हथियार लेने भागे, जिसमें विंडी जीत गई क्योंकि वो तो सीधा कार लेके ही यहाँ से भाग निकली। तब जॉन भागते हुए उसका पीछा करने लगा, जिस बीच एक जगह टकराने से उसके हाथ से गलती में एक फायरिंग हो गई। तब विंडी को लगा कि वाह, ये तो मेरे ऊपर दोनों बंदूक चला सकता है, इसलिए उसने गुस्से में जॉन को उड़ा दिया। तब वो जैसे तैसे उसकी गाड़ी में घुसा, लेकिन विंडी अपनी पूरी विंडी की पावर लगाकर उस चलती हुई गाड़ी से उतर गई। अब टूटी फूटी हालत में जॉन यहाँ से पेप्सी के पास पहुंचा, जिसे उसने बताया कि यार, आज मेरी बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की, कितनी बड़ी झूठी है वो, उसने तो मुझसे अपनी जॉब के बारे में भी झूठ कहा, जैसे इन भाई साहब ने उसे सब कुछ सच बताया हो। खैर, यहाँ विंडी की फ्रेंड भी उसे भड़काने लगी कि हो सकता है तुम्हारे पति की एजेंसी तुम्हें मरवाना चाहती हो, तो क्यों ना उससे पहले तुम ही उसका काम तमाम कर दो। तब उसकी बात मानकर विंडी अपनी पूरी टीम को लेकर वापस घर पर आई, जहाँ उसने घर का एक एक कोना छान मारा, जिससे उसे जॉन के सारे सीक्रेट वेपन मिल गए, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद जब जॉन को पता चला तो उसे काफी गुस्सा आया, इसलिए वो दोबारा से विंडी के ऑफिस में पहुंचा, जहां वो लिफ्ट में चढ़ा ही था कि इसकी खबर विंडी तक पहुंच गई। तब वो जॉन से बोली कि अगर अपनी आलू पूड़ी नहीं बंटवाना चाहते तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि वो विंडी को विंडी देना चाहता था। पर तब भी विंडी ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, वरना वो ये एलिवेटर ही उड़ा देगी। तब जॉन ने उसकी एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से विंडी ने अपना काउंटडाउन शुरू किया, जिसके खत्म होने से पहले ही एक एम्प्लॉय ने वो एक्सप्लोजन बटन दबा दिया, जिससे कि यहाँ एक तेज धमाका हुआ। तब वो काफी डर गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ये एक्सप्लोजन बटन दबाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसलिए वो एक कैफे में बैठकर रोने लगी। पर तभी यहाँ अचानक से जॉन पहुंच गया, क्योंकि वो प्लानिंग प्लॉटिंग में विंडी का भी बाप, उसके होने वाले बच्चों का भी बाप था। तब ये दोनों साथ में डांस करने लगे, जो करते करते इन दोनों ने एक दूसरे के हथियार निकाल दिए। तब जॉन उससे बोला कि अब तक कितने लोगों तक मेरी एजेंसी की इंफॉर्मेशन भेज दी है। विंडी बोली, जितनी तुमने भेजी होगी ना उतनी ही। जिसका मतलब ये था कि ये दोनों ही अभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार थे, जिसकी वजह से जॉन ने उसे डिवोर्स देने की बात कही, जो सुनकर विंडी उदास होते हुए ऊपर फ्लोर पर चली गई, जहाँ अचानक से ग्रेनेड फोड़कर वो यहाँ से भाग निकली। तब जॉन भी उसका पीछा करते हुए बाहर आया, जहाँ उसे अपनी जैकेट से कुछ आवाज आने लगी। तभी उसने अपनी जैकेट उतार के डस्टबिन में फेंकी, जिसमें कि एक और बॉम था। ये देखकर उसने विंडी को फोन किया कि तुमने मुझे दो बार मारने की कोशिश करी, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। तब विंडी उसे मना करते हुए बोली कि बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ मेरी जॉब के लिए एक मिशन थे। तब जॉन बोला कि अगर ऐसा है ना तो मैं जल्दी घर पहुँच कर हमारी सारी मेमोरीज मिटा दूंगा, जबकि वो ये नहीं जानता था कि वो खुद इनके घर ही जा रही है। अब विंडी उससे पहले इनके घर में पहुंच गई, इसलिए जॉन बड़ी सावधानी से छुपते छुपाते दबते दबाते घर में घुस गया, जहां उसने अपनी सीक्रेट गन निकाली ही थी कि इतने में इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग होने लगी। तब हमें पता चला कि इनकी एजेंसी ने इन्हें एक दूसरे को खत्म करने के लिए 48 घंटों का टाइम दिया है।
जिसमें अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनकी एजेंसी उल्टा इनके ही कुत्ते फेल कर देगी। खैर अब इनकी फाइट के बीच ही एक पॉइंट ऐसा आया जहां ये दोनों एक दूसरे पर बंदूक चला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा ना करते हुए दूसरे वाली बंदूक का सहारा लिया। अब इतनी लड़ाई के बाद ये दोनों अपना खाना पीना लेकर साइड में बैठ गए, जहां आज इतने टाइम के बाद ये एक दूसरे से खुलकर बात कर पा रहे थे। लेकिन इसी बीच इन दोनों पर एक हमला हुआ। असल में इन दोनों के 48 घंटे अब पूरे हो चुके थे, इसलिए ही इनकी एजेंसी दोनों के कुत्ते फेल करने पहुंच गई। लेकिन ये दोनों अपना पूरा घर उड़वा कर यहां से भाग निकले। दूसरी तरफ पेप्सी को जॉन का खेला करने के लिए $4 मिलियन का ऑफर आया, लेकिन असली वाले दोस्त ऐसे काम नहीं करते, इसलिए पेप्सी ने यह ऑफर ठुकरा दिया। लाइक करो पेप्सी के लिए। यहाँ ये दोनों अपनी लॉन्ग ड्राइव पर निकले ही थे कि तभी इनके पीछे दोबारा से एजेंसी वाले पड़ गए। जहाँ पहले तो विंडी एजेंसी वालों को रोकने लगी, लेकिन जब उससे नहीं हुआ तो जॉन उसको अपनी सीट पर बिठा कर खुद एजेंसी वालों की पुंगी बजाने आया, जो कि उसने काफी हद तक बजा भी दी। अब ये दोनों यहाँ से पेप्सी के पास पहुंचे, जिसने इन्हें बताया कि तुम्हारी खुद की एजेंसी तुम्हें मरवाना चाहती है, क्योंकि तुम दोनों उस बेंजामिन को नहीं मार पाए, इसलिए अगर तुम्हें उनसे बचना है तो जल्दी से उस बेंजामिन का खेला करना होगा, जो कि अभी एक टॉप सिक्योरिटी जेल में बंद था। तब जॉन ने वहां अंदर जाने का फैसला किया, जिसमें विंडी जेल के बाहर से सीसीटीवी फुटेज को संभालते हुए उसकी मदद करने वाली थी। तब जॉन ने सीवेज पाइप के थ्रू जेल में एंट्री ले ली, जहां से वो जेल के टॉप सिक्योरिटी एरिया में भी पहुंच गया। तभी वो बेंजामिन को उठाकर विंडी के पास आया, जहां से ये दोनों उसे अपने अड्डे पर ले गए। तब काफी पूछताछ के बाद बेंजामिन ने डरते हुए इन्हें एक राज बताया कि असल में एजेंसी शुरू से ही मुझे नहीं बल्कि तुम दोनों को मरवाना चाहती है। मतलब कि उन्हें पता चल गया कि ये दोनों शादीशुदा है, तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी एजेंसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बता दे, जिससे इनकी एजेंसी के तोते उड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे से मरवाना भी चाहा, जो कि इन्होंने नहीं किया, तो अब एजेंसी इनका खेला जरूर करेगी, जिससे समझ गए कि जरूर अभी भी एजेंसी इनका पीछा कर रही होगी। जिसके लिए जब जॉन ने बेंजामिन की चेकिंग की तो उसके पास से ट्रैकर निकला। तब इन दोनों ने प्लान किया कि एजेंसी इनके पीछे आ ही रही होगी, तो क्यों ना अब हम उनके लिए तैयारी करके रखें। जिसके लिए ये दोनों अपने सीक्रेट वेपन रूम में गए, जहां से इन्होंने अपने एडवांस्ड वेपन लेकर एजेंसी के तोते उड़ाने शुरू किए। और भाई साहब ये एक्शन सीन बड़ा मस्त था, हालांकि विंडी से ज्यादा नहीं। खैर तब इन्होंने अपनी स्किल से दोनों एजेंसी को यहीं खत्म किया, जिसके बाद ये दोबारा उस मैरिज काउंसलर के पास पहुंचे, जिसे इस बार जॉन ने बताया कि सर अब तो विंडी डेली लव्स माय भिंडी, और तभी आपके लाइक सब्सक्राइब के साथ ये मूवी यहीं एंड हुई। अब चलो आज के शाउट आउट भी देख ले, जहां शहजाद भाई को इम्पोर्टेंट शाउट आउट, वरना वो पता नहीं किसके लहंगे में वाईफाई लगवा देंगे। एक भाई का कहना है कि इस मूवी में डॉन का मोयमय हो गया, तो जिसने नहीं देखी है वीडियो जरूर देख लेना। यूनिक भाई शाउट आउट के लिए सिग्मा मेल को फोन कर रहे हैं, तो रहने तो भाई, वैसे भी मैं ज्यादा कॉल्स नहीं रिसीव करता। यूजर कह रहे हैं कि उन्हें मेरे पर्सपेक्टिव वाली मूवी ज्यादा पसंद आती है, तो दोस्त सही बताऊं तो मेरा मानना है कि पहले आप अमीर हो जाओ और फिर ये ज्ञानबाजी करो, इसलिए मैं ज्यादा अपने पर्सपेक्टिव कभी शेयर नहीं करता। हालांकि इस बात में भी मैंने अपना पर्सपेक्टिव बता ही दिया। खैर अब जिसने भी सब्सक्राइब बटन को उसकी औकात नहीं दिखाई वो जल्दी दिखा देना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।